राजस्थान के 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में बीजेपी को पटखनी देकर कांग्रेस जश्न में डूबी है। लेकिन बीजेपी की हार का जश्न न सिर्फ कांग्रेस बल्कि करणी सेना भी मना रही है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजस्थान में बीजेपी की हार के पीछे करणी सेना का हाथ है? आखिर क्या है राजस्थान में बीजेपी की हार का पद्मावत कनेक्शन? बीजेपी को मुंह चिढ़ाने वाली करणी सेना के जश्न की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। प्रदेश के 3 सीटें भले ही कांग्रेस की झोली में चली गई हो, लेकिन करणी सेना कांग्रेस से ज्यादा इसे अपनी जीत की तरह देख रही है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की हार से करणी सेना कितनी खुश है। इस दौरान करणी सेना के सदस्यों ने न सिर्फ पटाखे फोड़े बल्कि बीजेपी की हार पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी ने तो बीजेपी की हार के पीछे पद्मावत के प्रति सरकार के रवैये को बड़ा कारण बताया। उन्होंने 2 टूक कहा कि बीजेपी को हुए नुकसान की वजह पद्मावत फिल्म को बैन नहीं करना है। बीजेपी को गलती सुधारने की नसीहत देते हुए कालवी ने कहा कि पद्मावत फिल्म को लेकर लोगों के विरोध ने 29 जनवरी को मतदान में शक्ल ली, जिसका परिणाम आज सामने आया है। राजपूत करणी सेना ने कहा कि ये जीत किसी पार्टी की नहीं बल्कि संघर्ष समिति की जीत है। लोगों ने हमारे संघर्ष का समर्थन किया और बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। इतना ही नहीं, करणी सेना ने तो चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर बीजेपी का यही रवैया आगे भी बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि करणी सेना संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को राजस्थान समेत पूरे देश में बैन करने की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फिल्म रिलीज हो गई, जिससे करणी सेना बीजेपी से नाराज हो गई और पार्टी को इसकी कीमत राजस्थान की अजमेर और अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट गंवा कर चुकानी पड़ी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।